गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश चतुर्थी बिल्कुल हमारे सामने है और अब आज हम बनाएंगे मोदक। गणेश जी का सबसे फेवरेट मोदक का हम करेंगे वैरायटी। जब हमारा बर्थडे होता है तो हम बहुत सारी वैरायटी की मिठाई चॉकलेट्स लाते हैं, तो क्यों ना हमारे गणपति बाबा को भी हम सर्व करते हैं मोदक इन लॉट्स ऑफ वैरायटी। तो बनाते हैं डिलीशियस मोदक घर पर। शेफ जैसा खाना घर पे बनाए चुटकी में, हम बंधे हैं आपके प्यार से। तो चले बनाते हैं मोदक गणेश चतुर्थी पर फूड एंड पैशन के किचन में। अभी जो परिस्थिति है, बाहर से कोई भी सामान लाना उचित नहीं होता है, तो आज जो मोदक बनाएंगे वो सारे घर के जो इजीली अवेलेबल आइटम है उसी से बनाते हैं। तो दो डिफरेंट टाइप का हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये मेरे पास हाफ कप, जो नॉर्मल मेजरिंग कप है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। हाफ कप मेरे पास मिल्क पाउडर है और ये एक चौथाई कप से भी कम दूध है, ये इसमें डाल देंगे। इनको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इनको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, लम्स ना बंधे ये हमें देखना है। ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स बिल्कुल ना फॉर्म हो, बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। ओके, ये चीनी ये भी करीबन 1/4 कप से कम है थोड़ा सा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये जो मिल्क पाउडर है उसमें भी थोड़ा मिठास रहती है, तो चीनी ध्यान से रखिएगा। इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप से थोड़ा कम घी। ये एकदम देसी घी है, मैंने बिल्कुल घर का घी यूज़ किया है, आपको जैसे अवेलेबल हो वैसे डाल सकते हो। आप देखिए ये जो मेरा बैटर है एकदम लम्स फ्री है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम गैस के ऊपर मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम में हम कुक करेंगे। हम इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिए। हमने इसमें चीनी डाला है तो चीनी भी मेल्ट होगी, तो ये जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा पहले पतला होगा, फिर धीरे धीरे गाढ़ा होकर कढ़ाई ये जो अपना पैन है इसको छोड़ने लग जाएगा। ये आप देख सकते हो हमारा मिक्सचर जो है गाढ़ा हो रहा है। इस वक्त अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये देखिए हमारी जो मिक्सचर है कढ़ाई छोड़ रही है। इसको हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, जैसे देखेंगे कि कढ़ाई छोड़ रही है उसी वक्त हम इसको जो फ्लेम है बंद कर देंगे और इसको इसी के अंदर थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन मैं इसमें ऐसे मिक्स करती रहूँगी क्योंकि अपना जो पैन है वो अभी भी थोड़ा गर्म है और इसी में मिक्स करते रहेंगे इसको, ताकि वो तले पे चिपके नहीं। हमारा ये मावा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसको अब हम एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। हम अपना दूसरा मिक्सचर फिर से रेडी कर ले रहे हैं। ये मेरे पास पनीर है, मैंने इसको ग्रेट कर लिया अच्छे से। आप घर में भी छेना बनाकर यूज़ कर सकते हो। ये करीबन 200 ग्राम है और अब हम इसको करेंगे एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में कुक। इसमें मैंने डाल दिया है ये मिल्क मेड, ये 1/4 कप मिल्क मेड है, 1/4 कप से थोड़ा सा कम है मिल्क मेड। आपको अगर मिठास बढ़ानी हो तो आप आराम से मिल्क मेड की जो क्वांटिटी है बढ़ा सकते हो। इसको कंटिन्यूस हम हिलाते रहेंगे और इसको कुक करेंगे। ध्यान रखिए फ्लेम को अपने को मीडियम टू लो रखना है। अगर आपका गैस का बर्नर का फ्लेम ज़्यादा है तो इसको आप मीडियम लो कर दीजिएगा। मिक्सचर है, इसको हम कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे जब तक कि ये हमारा पैन को छोड़ने ना लग जाए। बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। ये देखिए ये जो मिक्सचर है गाढ़ा हो रहा है काफ़ी, हमारा जो पैन है उसको भी छोड़ रहा है। इसको थोड़ी देर हम और कुक करेंगे, करीबन 1 मिनट और कुक करेंगे। फ्लेम बस लो रखिएगा। देखिए ये एकदम रेडी है हमारा मिक्सचर।
अब इसको गैस हम बंद कर देंगे फ्लेम, और इसको ठंडा होने देंगे। सकती हुई जो मिक्सचर है ये थोड़ा दानेदार है, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम हथेली की बदौलत थोड़ा सा मैश कर लेंगे। ये जो हमारा मिक्सचर है इसका एक पोर्शन हम निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है और इसमें मैं डालूंगी, ये मेरे पास चॉकलेट गनाश है, ये मैं इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास चॉकलेट गनाश नहीं हो तो आप चॉकलेट पाउडर भी मिक्स कर सकते हो आराम से। दूसरा मिक्सचर है, इसमें हम बनाएंगे पान का फ्लेवर। ये मेरे पास एकदम पान का मिक्सचर है जिसके अंदर मैंने पान लिया है और गुलकंद है, और इसको हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा, बहुत कम मैंने इसमें ग्रीन कलर भी डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा पनीर का मिक्सचर है, इसको भी हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा बनेगा संदेश मोदक, एक में मैं डालूंगी। ये मेरे पास बादाम और पिस्ता है जिसको मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे पास केसर का थोड़ा सा वाटर है, ये डाल रही हूँ पीला रंग लाने के लिए। बहुत थोड़ा सा डालेंगे नहीं तो ये बहुत वाटरी हो जाएगा, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये मेरे पास चेरी का कंपोट है, ये मैं थोड़ा सा चेरी का कंपोट इसमें डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे रेड कलर। ये फूड कलर है, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो, मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे, ऐसे लेंगे। ये मैंने हाथों में घी लगा लिया है, ऐसे मैं एक राउंड लूँगी, इसको ऐसे हम शेप देंगे, और कोई भी एक चाकू आप ले सकते हो, स्पून ले सकते हो, उसका बैक लेंगे और इसको ऐसे हम शेप दे देंगे। देखिए तो ये हमारा मोदक रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी मोदक भी बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने किया, इसको थोड़ा सा हाथों की बदौलत ऐसे प्रेस किया, और फिर ऐसे हम शेप दे देंगे। ये हमारा पान वाला है, फिर से हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो ये डो है वो हाथों में चिपके नहीं, ऐसे हम हाथों में लेंगे। जैसे हमने चॉकलेट मोदक किया था वैसे ही इसको हम कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे, और इससे हम फिर से इसको शेप दे देंगे। तो दोस्तों रेडी है हमारी मोदक, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो इस बार गणेश जी को भोग लगाते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के मोदक। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। ओके देन, बाय बाय, गणपति बाप्पा